For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. जी, आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की. जी, स्ट्रेस जो कि आपको, मुझको, हर एक को बहुत इंतहा का फील होता है. हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, लाइफ बड़ी सिंपल है, लेकिन हमें उसको स्ट्रेसफुल बनाने में बहुत शौक है, बड़ा मज़ा आता है. हाय आई एम स्ट्रेस्ड, मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है. आखिर स्ट्रेस का करना क्या है, इतना स्ट्रेस लेके हमने जाना कहाँ. तो स्ट्रेस होता क्यों है? स्ट्रेस तब होता है जब हमें ये लगता है कि कोई सिचुएशन हमसे हैंडल नहीं होगी, हमारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि हम उस काम को कर सकें या उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें, जिसकी वजह से मैं और आप स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं. आपको पता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बीमारियों की जड़ है, और स्ट्रेस पे काबू पाना एक इसेंशियल है लाइफ का, बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिस पे हमें बहुत सोचने की और करने की ज़रूरत. जब हम नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में या हमें दी गई किसी सिचुएशन के बारे में, जैसे कि बॉस ने बुला लिया, जैसे कि घर में अब्बा का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ, मैंने तुमसे बात करनी है, जैसे कि दोस्त का मैसेज आ गया, तुम मिलती नहीं हो, तुम बात नहीं करती हो, या तुम मेरी बर्थडे पे नहीं आई, एंड सो ऑन, हमें फौरन स्ट्रेस शुरू हो जाता है. उस नेगेटिव थिंकिंग से बचना बहुत ज़रूरी है जो हमें एक, हमारी बॉडी को एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में डालती है. स्ट्रेस में होता क्या है? स्ट्रेस में आपको, आपकी हार्ट बीट हो सकता है तेज़ हो जाए, हो सकता है आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाए, हो सकता है यू हैव स्वेटी हैंड्स, आपके यहाँ पे भी मुंह पे, हाथों में पसीने आना शुरू हो जाए. स्ट्रेस से आपके जो शोल्डर वाले पार्ट्स हैं, यहाँ पे दर्द शुरू हो जाए, फ्रीक्वेंट हेडेक्स आना शुरू हो जाए, आपको मसल स्ट्रेन्ड आउट लगें, आपको ऐसा लगे जैसे आप एग्जॉस्टेड हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है और आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे. तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपकी बॉडी आपको ये बताती है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हो, प्लीज़ होल्ड ऑन, टेक अ ब्रेक. ये आपके वार्निंग साइंस हैं. और जब आपको ये चीज़ें फील होना शुरू हो, तो प्लीज़ इसको आपने लाइटली नहीं लेना. इसका मतलब है कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है स्ट्रेस की वजह से, और अब आपको स्ट्रेस के बारे में कुछ करना पड़ेगा. स्ट्रेस हमें बहुत सारी बीमारियों की तरफ लेके जाती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, जिसकी वजह से हमें, हमारी आर्टरीज़ जिसमें ब्लॉक हो जाती हैं, जी वो भी स्ट्रेस ही कर पाता है. इवन यहाँ तक कि डायबिटीज़ के पीछे भी अब नई रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि स्ट्रेस ही होता है. हर दफ़ा नहीं, लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका स्ट्रेस आपको और बड़ी बीमारियों की तरफ लेके जा रहा हो. मीग्रेन भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है स्ट्रेस का, कि आपको अब स्ट्रेस को अपनी बॉडी में कम करना है. और मैं आपको ये बताती चलूं कि स्ट्रेस का जो हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल जिसको कहा जाता है, वो आपकी बॉडी में 24 से 36 घंटे तक घूमता रहता है. विच मीन्स कि अगर मैं अभी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, तो मैं कल तक हो सकता है इसी कैफियत में रहूं, और अगर मैं कल दोबारा स्ट्रेस्ड आउट हो जाऊं, और फिर परसों, और फिर तरसों, और पूरे महीना, पूरे साल, पूरे दो साल मैं उसी कैफियत में गुजार रही हूं, तो क्या मेरी बॉडी डैमेज नहीं होगी? अगर आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क अफेक्ट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, आपकी फ्रेंडशिप्स अफेक्ट हो रही हैं, रिलेशनशिप्स पे बुरा असर पड़ रहा है, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, साइकोलॉजिकल लाइफ, हर तरह की लाइफ आपकी अफेक्ट हो रही है स्ट्रेस की वजह से, तो टाइम आ गया है कि आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें. सबसे पहली चीज़ जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, वो है खुद एतमादी, खुद पे यकीन होना, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देना कि हाँ, मैं इस काबिल हूँ, मैं कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ, मेरे अंदर सलाहियत है. पहले ख़ुद को पहचानना, और जब आप इसको हैबिट बना लेंगे, तो आपके हाथ पांव फूलेंगे नहीं जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी. एंड लास्टली, फोकस ऑन द सोल्यूशन रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम. किसी की लाइफ प्रॉब्लम फ्री नहीं होती. ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने
को सॉल्व करना चाहते हैं या हम उसको प्रॉब्लम को ही फोकस कर करके एक पहाड़ बना देना चाहते हैं. सो इफ़ यू नीड टू मैनेज योर स्ट्रेस, यू नीड टू स्टार्ट विद फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम आ गई है, उसको एक्सेप्ट करें, हाँ ये प्रॉब्लम है, अब मुझे इसके बारे में करना क्या है. और अगर आप प्रोफेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट कराना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म पे ज़रूर किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रابطہ करें ताकि वो आपको इसमें बेहतर तरीके से हेल्प कर सके. थैंक यू.